हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मोदक की एक नई वैरायटी बताने वाली हूँ। नॉर्मली मोदक जैसे बनाते हैं चावल के आटे को, वैसे ही मैंने भून लिया है थोड़ा। उसमें थोड़ा पानी मिला लिया है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट डाल देना आप। जैसे ही हो जाए उसे एक थाली में आप निकाल लेना। फिर उसको अच्छे से, जैसे गर्म जैसे है उसी टाइम पे उसको थोड़ा सा हाथ से मसल लेना, जिसे आप आटे को मसलते हो। और मेरे पास थोड़ा बीट पड़ा था, मैंने उसका टुकड़ा काट लिया और उसमें थोड़ा सा शक्कर का पानी ऐड कर दिया था, और वो पानी मैंने उसके अंदर मिला दिया तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, देखिए पिंक हो गया है। और मैंने इसमें अंदर स्टफिंग के लिए बूंदी के जो लड्डू होते हैं उसका यूज़ किया है। तो नॉर्मली जैसे हम मोदक बनाते वैसे ही बनाना है, पर स्टफिंग में मैंने बूंदी के लड्डू ऐड किए हैं थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन करने के लिए, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। आपको पता है मोदक वैसे ही बप्पा का फेवरेट है, और नॉर्मली बप्पा का तो फेवरेट है और हम भी उसे बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं। तो बप्पा को तो प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है और साथ में वो प्रसाद हम भी ग्रहण करते हैं। तो ये मोदक बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत जल्दी भी बन जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी में आपको मिल जाएगा। देखिए मोदक का लुक कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें इसके बाद गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा मेरे पास हनी पड़ा हुआ था, जो कि मेरे गांव का हनी था और बहुत ही प्योरेस्ट हनी था। वो हनी मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाला और दो चार काजू लेकर उसको कूट लिया अच्छे से, और फिर वो भी ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऊपर से सजा लिया मैंने। और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही टेस्ट भी अच्छा आ रहा था उसका।